दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष भारद्वाज, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉरपोरेट ट्रेनर, लाइफ मैनेजमेंट कोच, मिस्टिक मेंटर एंड कोच, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पिरिचुअलिस्ट। आज बहुत इम्पोर्टेंट दिवस है कि आज हम आपको सुल्तानपुर फार्म हाउस दिखाने जा रहे हैं। ये एरिया दिल्ली में सबसे सुंदर जगह है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा है। तो चलिए सुल्तानपुर से फार्म हाउस की ओ आप आगे भी दाएं भी दोनों तरफ दिखाते चलो। सुल्तानपुर मेट्रो वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। सुल्तानपुर फार्म हाउस, ये रास्ता सुल्तानपुर से सीधा निकलती है छतरपुर वाले रोड पे। ये है सुल्तान, ये अरे तुम दिखा रहा हूँ। ये रास्ता सीधा निकलती है सुल्तानपुर से छतरपुर वाले रोड पे, जो बाबा नीम करौली आश्रम होते हुए पहुँचती है फरीदाबाद वाले रोड पे। दिखा दो। ये है, ठीक है, मंदिर तरफ, मंदिर हनुमान जी का मंदिर। आज संडे है, हनुमान जी के मंदिर में आए, दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाएं दाएं दोनों तरफ कैमरा मैन आयुष भारद्वाज के साथ मैं संतोष भारद्वाज आज आपको फार्म हाउस की दुनिया दिखाता हूँ। ऐसी दुनिया जहाँ पे दिल्ली में ऑक्सीजन का लेवल, ये मेट्रो का पिलर है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा है। एक तरफ पिलर, दूसरी तरफ फार्म हाउस। दिखाते चलिए कोशिश करेंगे कि आपको सुल्तानपुर का फार्म हाउस का एरिया दिखाते चले जाए। चलिए, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना है लेकिन दिखाते चलना है, सारे लोकेशन को दिखाते चलना है, नाम नहीं लेना है। एक बार नया तरफ से दिखा सकते हैं, नया तरफ से दिखा सकते हैं। ऐसा वीडियो बना है कि लोग आए हर वर्ष को वाह। क्यों? क्योंकि फोटोग्राफी एक बहुत बड़ा आर्ट है। आने वाले समय में आपको फोटोग्राफी का शौक अगर है, अगर आप वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफर बनना चाह रहे हैं, अगर आप लाइफ में, ये देखिए, ये प्रकृति मार्ग नंबर 37 और आगे देखते हैं। ये यहाँ पे प्रकृति मार्ग दिया गया है, इस तरह का। और रोड देखिए, यहाँ से मेन रोड से भगवान की तरफ और सुल्तानपुर की तरफ हम लोग आए जा रहे हैं। और गाड़ी की स्पीड लगभग आप देख ही रहे हैं, इसके आसपास है, बहुत ही अच्छा जगह है। कहा जाता है कि इस एरिया में जब भी कभी मैं आता हूँ, ऐसे मैं बहुत ही नज़दीक रहता हूँ, मैं जब भी कभी इस एरिया की तरफ आता हूँ और इस रोड से एक चक्कर लगा लेता हूँ, और लगभग मैं महीने में एक बार कोशिश तो जरूर करता हूँ, एक बार इस एरिया का चक्कर लगा लेता, ताकि शुद्ध हवा, शुद्ध प्रकृति, शुद्ध हवा, इसका दीवार का नहीं बना, शुद्ध हवा, शुद्ध प्रकृति और जमीन, ये देखिए ना, जल नीचे, जमीन जल, इसको जंगल तो नहीं कह सकते लेकिन प्रकृति कह सकते हैं। हाँ, जंगल भी कहा जा सकता है क्योंकि जंगल में भी ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा होता है। तो जल, जमीन, जंगल। हम लोग अपने फार्म हाउस में लोग गायें भी पालते हैं, और भी जानवर भी लोग पालते हैं, जिसमें कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस हो सकता है, भैंस तो मैंने देखा नहीं है, भैंस भी हो सकता है। इसके बाद में और भी पेट्स पाले जाते हैं। इतना ही नहीं, पक्षियों में तोता, पक्षियों में पिंजर और बाज पालने वाले लोग भी इस एरिया में रहते हैं।
जो कि जीवन पांच तरह, तो संसार अपना है और हार जाओ तो कुछ भी अपना नहीं, कोई भी अपना। तो एक ही चीज़ मैं कहूँगा जिसको हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और हम सब के संवाद कला के विशेषज्ञ कवियों के कवि महाकवि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बार बार उन्मुक्ता में कहते थे, बार बार उन्मुक्ता में चुका में कहते थे कि तुम जीवन पथ पे आगे बढ़ते रहो, जीवन पथ पे आगे बढ़ते रहो और कभी निंदा स्तुति जय पराजय दुख सुख लाभ हानि, यही हमारी गीता माता की, यही हमारी गीता माता की। वाजपेयी जी कहते थे कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं मैं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो भी मिला ये भी सही वो भी सही उस भी हार हार। हे ईश्वर, हे दाता, हे भाग्य विधाता, हे करुणा निधि, जो आपने दिया है उसके लिए बारंबार धन्यवाद है, बारंबार धन्यवाद है, बारंबार धन्यवाद है। जो नहीं मिला इसके लिए मैं करता रहूं श्रेष्ठ पुरुषार्थ हूँ, श्रेष्ठ पुरुषार्थ हो, श्रेष्ठ पुरुषार्थ हो। हे दाता एक तुम ही तो, हे दाता एक तुम ही तो हो जो मुझे आत्मा और परमात्मा के बीच में जोड़े थे। दाता हे प्रकृति, हे परमात्मा, हे भाग्य विधाता, आप ही तो हो जो मुझे पल पल क्षण क्षण कल कल याद करते हो। एक आप ही हो जो मेरे बिगड़ी को बिनाने वाले हो, एक आप ही हो जो मेरे जीवन को श्रेष्ठ और सुंदर बनाते हो। दाता एक आप ही हो जो मेरे स्वामी हो, पिता हो, जन्म जन्म जन्मों जन्मों का माता है। हे दाता तुम ही मेरे भाई हो। बहुत करना ठीक है, बहुत करो आपको ले आए, यही छतरपुर वाला रोड है। ये रोड आपका फरीदाबाद और बाबा नीम करौली आश्रम जाता है। और ये देखिए ये फार्म हाउस है, दाएं तरफ बाएं तरफ ये फार्म हाउस का पूरा एरिया है। और यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही अच्छा होता है, इसको गदईपुर कहते हैं। वो जो था वो सुल्तानपुर का था, ये गदईपुर है। और यही रोड जौनापुर की तरफ जाते हुए, और यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल जगह है, आपने नाम सुना होगा ओशो। विश्व के सबसे बड़े फिलोसोफर इनकी ओशो, इनकी फॉरेस्टेंस राइज में और इस एरिया में ओशो के सन्यासी लोग रहते हैं। चलो ऑन करो, इस एरिया में लेफ्ट साइड में दिखाओ कौन कौन लोग रहते हैं। हमारे पुराने मित्र हैं ओशो मित्र, इधर देखो, इधर पुराने मित्र हैं। कभी ओशो यहाँ से आके, यहाँ पे फार्म हाउस है, कहा जाता है कि ये इनका देखिएगा ओ पी शर्मा जी और ये एक्स मिनिस्टर है, यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत पुराना फार्म हाउस है। ये ग्रीन वैली अपार्टमेंट ओशो ड्राइव है। यहाँ कहा जाता है कि इस एरिया में ओशो लगभग एक महीना रहे थे इस एरिया में। इसमें ये सब नहीं था इस तरह का फार्म हाउस, लेकिन ये फार्म हाउस बहुत ही पुराना है। रॉयल फार्म ओशो ड्राइव बहुत ही पुराना है। अभी देखिए क्लब खोसला करके भी है ओशो ड्राइव करके, और आगे आप जाते हैं तो बहुत लंबा है, लेकिन जहाँ तक ये जाएगी तो वहाँ तक आप देखेंगे। और फिर बात ओशो
सूट रहा है, ये देखिए वो सूट रहा है तो हम सूट रहा है तो हम फार्म हाउस है। और जो आध्यात्मिक और आत्मिक रूप से संपन्न जो व्यक्ति जो आध्यात्मिक और आत्मिक रूप से संपन्न है वो समृद्धि सुख शांति आनंद से परिपूर्ण, सुख शांति आनंद से परिपूर्ण है जो आध्यात्मिक या फिर जो आध्यात्मिक रूप से संपन्न है, जो आध्यात्मिक रूप से आत्मिक रूप से आर्थिक रूप से व्यवहारिक रूप से सामाजिक रूप से नैतिक मूल से रूप से जो संपन्न है, जो संपन्न है परिपूर्ण है प्रकृति परमात्मा ड्रामा आत्मा के संग है वही परिपूर्ण, वही परिपूर्ण है, वही बन रहे संपूर्ण है, वही बन रहे। कहते हैं ये बहुत ही अच्छा फार्म हाउस का एरिया, वहाँ आपने समृद्धि से रिलेटेड बातें सुनी वेबसाइट देखी और ये फार्म हाउस का एंडिंग पॉइंट है, इस तरफ से इधर एंडिंग पॉइंट है और इस तरह से इन नाइन जैन में रहने वाले साहब को भी बहुत धन्यवाद। और ये फार्म हाउस का एंडिंग पॉइंट तो फिर आप ले चलते हैं लेफ्ट साइड में जो आपने दिखाया राइट साइड में और चलते भाई आपको बताइए अरे भाई और बहनों हमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत सिखाते हैं, उसमें तो एक से पहले एक बात ये सिखाते हैं कि हम सभी भाई और बहनों आज आपको ये वीडियो दिखाया कैसा लगा पता नहीं, मेरा मन था कि आप लोग एक बार भूटान और आपको कभी फार्म हाउस चाहिए आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको फार्म हाउस का आनंद दिलाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप पहले फार्म हाउस खरीदें तो आप फार्म हाउस का भूटान करता है, नहीं आप जीवन किराए किराए का है ये सूर्य देवता, मैं आपकी तरह ही होते जीवन किराए का प्रकृति की ये शरीर है, तब तक ये शरीर है तभी तक ये दुनिया तभी तक ये फार्म हाउस है, इसीलिए सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तन मन और आत्मा फिजिकल मेंटल चारों तरफ की हेल्थ का ध्यान रखें, आपका सोशल हेल्थ स्वतः ही अच्छा होता चला जाए। अरे भाई और बहनों हमारे नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राष्ट्रपति का भी निर्माण करवा देते हैं, राष्ट्रपति जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ उनकी आध्यात्मिक चेतना के लिए और नरेंद्र मोदी जी को भी हार्दिक बधाई देता हूँ, देश के प्रथम नागरिक हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, देश के प्रथम नागरिक होने के नाते आप इतनी आध्यात्मिक हैं जो आपका सबका ध्यान रखती हैं, क्योंकि जो आध्यात्मिक है वही समाज को सुदृढ़ कर सकती है, वही समाज को संतुलित कर सकती है, वही समाज की निर्माण कर सकती है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका दोस्त ब्रेन एंड माइंड पावर ट्रेनर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पिरिचुअलिस्ट मेंटर मिस्टिक एंड कोच बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं, कैमरामैन आयुष भारद्वाज के साथ संतोष भारद्वाज।